दुल्हन के लिबास में झलक अपने पति अधीर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और तभी अधीर ने गुस्से में दरवाजा खोला और अंदर आते ही झलक से कहा, झलक सिंह, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं है, तो अपना पति मानने की भूल मुझे मत करना। और हाँ, अगर डैडी हनीमून के लिए बोले तो चुपचाप से उन्हें मना कर देना। मासूम सी झलक ने सिन्हा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एक लौते बेटे अधीर से अपने भाइयों के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली थी, पर उसकी दुनिया उसकी सुहाग रात पर ही बिखर जाती है। कहीं मैंने भाई की बात ना मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इतना कुछ सुनने के बाद भी परिवार वालों के कारण झलक अधीर के साथ हनीमून पर आती है। अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने के लिए वो उसके लिए एक स्पेशल डे भी प्लान करती है। तभी वो अधीर को किसी और औरत के साथ देखती है। झलक गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, आप मुझसे चाहते क्या है अधीर? अगर आपको मुझसे डिवोर्स ही चाहिए था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि ऐसा क्या जवाब दिया अधीर ने झलक के सवाल का? शादी करने की अधीर की वजह क्या थी? जानने के लिए सुनिए दिव्या यादव की लिखी कहानी बावरा मन, सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे।